अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू अंडे के कबाब। उसके लिए मैंने आलू 6 से 7 आलू लिए थे बड़े साइज़ के, उसको बॉईल करके मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम जो मसाले ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला है, चाट मसाला है, साबुत ज़ीरा है, नमक है, चिकन पाउडर है और ये काली मिर्च है पिसी हुई। ये सारी जो है 1/2 टीस्पून मैंने ली है, ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी सब। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हमने मसाले डाल के मिक्स कर लिया है। मसाले कम ज़्यादा आप खुद कर लिएगा जितना आपको पसंद हो। अब इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड करूँगी, ये 1 टीस्पून है। और साथ ही मैं हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें हैं और हरी प्याज है वो मैंने ली है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। बड़े मज़े के कबाब होते हैं ये, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है इसको। ये 2 अंडे लिए थे मैंने, इसको बॉईल करके मैंने इस ऐसे सर्कल में काट लिए हैं। अब हम आलू का मिक्सर लेंगे। इस तरह इसको करके ये कंडा मैं ऐसे रखूँगी और इसको चारों तरफ से मैं इससे कवर कर दूँगी। ये रमज़ान में आप ट्राई कर सकते हैं अफ्तार के टाइम पे। ये देखिए इसी तरह हम सारे बना लेंगे। हमने सारे बना लिए, अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक अंडा लिया था मैंने, उसको मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे कबाब को। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसके अंदर कबाब डालेंगे अंडे में डिप करके। फ्राई करेंगे हम। ये हमारी तरफ से हो गए, अब हम इसको पलटेंगे। कबाब हमारे हो गए हैं, अब हम इसको निकालेंगे और डिश आउट करेंगे। डिश आउट कर लिया है, हमारे अंडे के कबाब जो हैं वो तैयार हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।